प्रोग्राम में आज एक ऐसा हर्ष मिला सिंह, सारे ग्रामवासी अति हर्षित होकर नाचते गाते कहे जा रहे हैं। नहीं पता ना, तो मैं बताती हूँ। आज हरण पंडित और पद्मावती के घर में दिव्य पुत्र का आगमन हुआ है, जिनका नाम है इनका हाथ साफ करेंगे। जय माँ चंडी, जय माँ चंडी, जय माँ
अपने साथियों के साथ किरण्य पंडित के घर पहुंचे, जहां नित्यानंद प्रभु रुके थे और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, उसकी योजना भाग गए और उन्होंने योग माया से सबको सुला दिया। सरदार, हमने चोरी से पहले माँ चंडी की पूजा नहीं की, इसीलिए हम असफल हो गए। अगले दिन जब चंडी दास अपने साथियों के साथ हिरण्य पंडित के घर पहुँचे, तब उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके माथे पर तिलक और गले में तुलसी माला थी, जिनकी आभा देखकर वे डर गए और भाग गए। कुछ दिन बाद चंडीदास ने पुनः प्रयास किया। जैसे ही उनके कदम हिरण्य पंडित के घर की तरफ बढ़े, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह यहाँ वहाँ बिखरने लगे, उनके ऊपर सांप बिच्छू गिरने लगे और उनको काटने लगे। आओ चंडीदास, आओ, मैं तुम्हारी भक्ति भावनाओं को देख रहा हूँ। प्रभु, मैं जन्म से ब्राह्मण अवश्य हूँ, परंतु सब से पापी हूँ। मैंने आपके आभूषण चुराने की कोशिश की, मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए अवतरित हुए हैं। नित्यानंदा नित्यानंदा नित्यानंदा।